हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल फॉर्मूलाज के बारे में। एक्सेल इज ऑल अबाउट फीचर्स एंड फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूलाज कितने इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आने वाला जो पूरा सेशन आप देखेंगे उसमें ये जानेंगे कि हम फॉर्मूलाज को किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से समझते हैं। फॉर्मूलाज को अगर आप रटने लगोगे कि ये काम ऐसे कर लो, वो काम वैसे कर लो, तो वो कभी भी आप पूरा काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम फॉर्मूला को पूरा ब्रेक करके पूरा समझेंगे। तो मैंने अपने लाइव सेशन में फॉर्मूलाज को समझाना सिखाना शुरू कर दिया है, उसकी ग्लिम्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं इस कोर्स में इनरोल करना, क्योंकि अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, तो आप इनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी लाइव सेशन होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, तो आप इजीली उन्हें एक्सेस कर सकते हो और इजीली सारी चीज़ें अपने साथ मैनेज कर सकते हो। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए जहाँ पे हम सिखाएंगे बहुत। बस लास्ट 1 मिनट और एंड देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। ओके, किसी को कल वाली क्लास में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी कॉमन डाउट है, मतलब ऐसा कोई भी जनरल डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हाँ जी मिस्टर कुमार। हेलो। ओके ओके सर, ओके सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मिस्टर कुमार, हाँ जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, बताइए। मैम मेरी साथ एक प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी बताइए। जैसे कि मैंने ऐप से जो आपका अकाउंटेंट ऐप है एक्सप्रेस वाला, मैंने उसपे शो करा था, तो उसमें क्या नाम है, जैसे मैंने एक्सेल कोर्स लिया आपका, तो उसके बाद मैंने पेमेंट जो मेरी पेमेंट थी ना, मैंने वो पेमेंट अदर से करवाई थी, मैंने अपने पास से नहीं करी। अच्छा। तो सर ने मेरे पास बार कोड वो दिया था, क्या नाम है, नंबर दिया था, मैंने उस पर पे करा था। अच्छा। तो जैसे आप कोई वीडियो डालते हो तो आपके उस ऐप पे वो मुझे शो नहीं होते, वो दिखते नहीं। मे बी फिर वो एक्सेस उस पर्सन को चला गया, उस नंबर पे चला गया जिस नंबर से पेमेंट आया था। हाँ जी, हाँ जी, तो इस इशू के लिए मैं उन्हें बोल दूंगी ताकि वो कंफर्मेशन करें। आपकी जो सीआरएम टीम से बात हुई थी राइट, तो एक बार आप उन्हें फिर से कांटेक्ट कर लीजिएगा और मैं भी उन्हें कह दूंगी कि इस तरीके से पर्सन है मिस्टर कुमार एंड उनका ये इशू है, तो वो पर्सनली इस चीज को देख के आपको जो भी इसमें सोल्यूशन होगा वो कर देंगे, आपके उस पे एक्सेस दिलवा देंगे फिर आपको। जी मैम, मैं फ्राइडे से क्लास छुट्टी हुई है बस, अच्छा क्योंकि मैं इमरजेंसी कोई हॉस्पिटल में था, इस वजह से मैं कर नहीं पाया। आपने उन्हें कांटेक्ट किया था, आपने उस नंबर पे कांटेक्ट किया था जो 888 से स्टार्ट होता है, 8804949888? मैंने उस पे नहीं करा, बस यही दिक्कत प्रॉब्लम कर दी। हाँ, आप उन पे कांटेक्ट करते ना तो वो आपको तभी तब सॉल्यूशन करा देते, बिकॉज़ आपने पेमेंट भी तो उसी पे किया होगा। हाँ नहीं मैम, मैंने दूसरे पे करा था पेमेंट भी, मैंने उसमें टेलीग्राम उसमें डाला भी था टेलीग्राम पे। हाँ वो तो मुझे याद है आपका टेलीग्राम का, इसीलिए मैं पहचान भी गई आपको, क्योंकि आप कह रहे थे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वीडियो आप अलग से शेयर कर सकते हो क्या, मुझे याद आ गया। ठीक है, हम क्लास के बाद एक बार के लिए इसको डिस्कस करके मैं सॉल्यूशन कराती हूँ आपका। आप मुझे शेयर कीजिएगा, रिसीट शेयर कीजिएगा एंड फिर मैं इसका सॉल्यूशन करती हूँ। ओके, हाँ जी मिस अरोड़ा बताइए। बात करो। हाँ जी, अच्छा चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हाँ जी, हाँ जी मिस अरोड़ा, कुछ बात है बताइए। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, बस क्लास है मेरी
मैं आपके वीडियोस देखती हूँ और उन्हें बहुत लाइक करती हूँ. कल ही मैंने ये परचेज किया है. एक्सेल आता है बट मुझे मतलब थोड़ा सा भूल चुका है, तो मैं इसे फिर से सीखना चाह रही हूँ. ओके ओके ओके, साथ में मिलके सीखेंगे. यस मैम, आप तो एक्सपर्ट हो. नहीं नहीं नहीं, एक्सेल इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है अपने आप में कि मुझे लगता है जिसने बनाया होगा उसे भी पूरा नहीं आता होगा. इसमें जितनी क्रिएटिविटी, जितना क्रिएटिव आप हो सकते हो ना, हो सकते हो. मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे हमारी ये लाइव क्लासेस मतलब क्लोज हो जाएंगी, तो उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी आती है, वर्क में है जैसे हम लोग, तो फिर वो कैसे मतलब कर सकते हैं हम? व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा रहेगा. ओके मैम, थैंक यू. वो चैट चैट का सेक्शन भी आता है एक वहीं पे एप्लीकेशन पे, वो भी हमेशा एक्टिव रहेगा आपके लिए. ओके मैम जी, चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं. ठीक है, देखिए कल हमने फिल्टर्स पढ़े थे, आज फिल्टर्स को ही थोड़ा सा आगे समझते हैं. कल एक डाउट आ रहा था, अगर मान लीजिए मैम मुझे किसी एक पर्टिकुलर चीज पे हमें फिल्टर हटाना हो तो क्या करना होगा, आज हम उसका सोल्यूशन करेंगे. अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने. ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम. यस मैम. यस मैम, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास. ओके ओके, चलिए अब हमें आपको मैंने बताया था हेडिंग पे आप कहीं पे भी जाएंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट एल. क्या बताया था, क्या शॉर्टकट की थी फिल्टर लगाने के लिए? टेल मी, क्या शॉर्टकट की थी फिल्टर लगाने के लिए? Guys, याद नहीं? Control Shift L. हाँ जी, Control Shift L, that's correct. Control Shift L लगाएंगे. Just give me a minute. हमने Control Shift L किया, एक साथ प्रेस करना है. तो देखो यहाँ ऊपर ड्रॉप डाउन आ गए हैं. ये ड्रॉप डाउन किस लिए होते हैं? फिल्टर के लिए होते हैं. हम कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं. अब मान लीजिए मैं एक बार के लिए फिल्टर लगा लेती हूँ. एक सेकेंड, म्यूट कर लीजिए. ठीक है मैम, साउंड आप बंद कर दीजिए, साउंड से दिक्कत हो रही है. हाँ जी, म्यूट कर दीजिए. हाँ जी, मैंने म्यूट कर दिया, चलिए. तो देखिए यहाँ मैंने फिल्टर लगाया. अब फॉर एग्जांपल मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग फिल्टर्स लगा देती हूँ. अभी नेम वाले में नेम में नहीं लगाते हैं, प्रोडक्ट में लगा देते हैं. अगर मुझे सारे नहीं चाहिए या मुझे मान लो कम हेडफोन्स नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, तो मैंने ये किया. उसके बाद मैंने यहाँ पे मंथ में लगाया कि मुझे सिर्फ नवंबर का चाहिए. ओके किया. उसके बाद मैंने नेम में लगा दिया कि मुझे सिर्फ ये तीन का डेटा जानना है, चार का डेटा जानना है. तो ये आ गया. तो अभी देखो तीन में फिल्टर्स लगे हुए हैं. अभी हमें कोई इंडिविजुअल फिल्टर हटाना हो तो क्या करेंगे? आप इस फिल्टर पे क्लिक कीजिए. तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन एक्टिव हो जाता है, क्लियर फिल्टर फ्रॉम प्रोडक्ट, कि मुझे इस वाले पे जो फिल्टर लगाया हुआ है ना वो हटाना है, बाकी फिल्टर लगे रहने दो. तो आपने इस पे किया तो यहाँ से वो फिल्टर हट जाएगा, लेकिन जस्ट बिकॉज बाकी फिल्टर लगे हुए हैं तो आपका डेटा वैसा रहेगा. अब मान लीजिए मुझे पार्टी नेम से हटाना है, तो क्लियर फ्रॉम द पार्टी नेम, तो आपका यहाँ से भी फिल्टर हट गया, यहाँ से अब सिर्फ मंथ वाला रह गया. मंथ वाले फिल्टर को हटाएंगे तो पूरा फिल्टर ही हट जाएगा, पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा और सब में फिल्टर्स हट गए हैं. तो इस तरीके से आप एक एक करके भी कोई फिल्टर हटा सकते हैं. जो कल एक डाउट था, तो इस तरीके से हम एक एक करके भी सारे फिल्टर्स हटा सकते हैं. सॉर्टिंग हमने कल सीखी थी, एक सॉर्टिंग हमने नहीं सीखी विच इज कलर, तो अभी हम वो वाली सीखेंगे. देखिए जब आप ऐसे करते हो तो यहाँ पे आता है सॉर्ट बाय कलर, तो कस्टम सॉर्टिंग है ये, तो कलर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेंगे. तो उसके लिए मुझे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एक बार के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यहाँ पे कर देती हूँ. ये येलो किया, ये येलो किया, ये येलो किया, ये वाला येलो किया, कुछ भी मैंने रैंडमली ऐसे येलो कर दिया. अभी मुझे चाहिए जिस जिस पे मैंने येलो मार्क किया हुआ है. फॉर एग्जांपल मैंने कुछ पार्टीज को अपना बस मुझे कुछ प्रोडक्ट को हाईलाइट करना था, मैंने उसे कलर करके दिखाया ऐसा रैंडमली,
ठीक है, अब मैं उस पे चाहती हूँ कि जो सिर्फ कलर कलर वाले थे ना वो वाले आ जाए, मैं उन्हें उन पे फिल्टर लगाना चाहती हूँ। मैं सॉर्ट बाय कलर पे जाऊंगी जस्ट बिकॉज मैंने ये प्रोडक्ट देखो मैंने यहाँ कलर किया हुआ है ना, मुझे यहाँ का अकॉर्डिंग चाहिए तो ऑब्वियसली मैं इसी फिल्टर में जाऊंगी एंड मैं सॉर्ट बाय कलर में जाऊंगी। नो फिल वाला मतलब जिसपे फिल नहीं है वो ऊपर आ गए एंड बाकी के नीचे चले गए ऑटोमेटिकली, कि भैया मैंने कहा था जिसपे कलर नहीं है वो वाले आ जाए और बाकी नीचे चले गए। ओके, लेकिन नहीं मुझे तो चाहिए था कि कलर वाले आए, तो कलर वाले ऊपर आ गए एंड बाकी का डेटा आपका नीचे आ गया है। तो इस तरीके से आप कलर वाली सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, इस सॉर्टिंग को आप कहाँ दे सकते हैं, ये हेडिंग में गए और यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास कस्टम सॉर्टिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो, यहाँ पे आपको कोई भी जो हेडिंग में आपको देखना है, अभी हम प्रोडक्ट नेम में चल रहे हैं तो हमने प्रोडक्ट नेम लिया। उसके बाद हम देखना चाहते हैं सेल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, सेल वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपके पास वही आ जाता है A to Z to A, ये हम देख चुके हैं। ओके, सेल कलर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ अभी नो सेल कलर दिखा रहा है क्योंकि पार्टी नेम सेलेक्ट हुआ हुआ है, पार्टी नेम में तो कोई कलर ही नहीं है इसलिए इसने यहाँ कोई कलर लिया ही नहीं है। हमने कलर कहाँ किया था, हमने प्रोडक्ट नेम में कलर किया था, तो प्रोडक्ट नेम चूज करो। अब देखो यहाँ पे कलर शो करेगा, हाँ येलो कलर शो कर रहा है, ओके किया तो इसने येलो दिया। अब मान लो मैं एक दो कलर और ले लेती हूँ, एक काम करते हैं रेड लिया, ये एक पर्पल ले लिया और एक यहाँ पे ग्रीन ले लिया, ब्राइटर ग्रीन। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे गए सॉर्ट एंड फिल्टर में कस्टम सॉर्टिंग में, अब मैं इसको देख रही हूँ प्रोडक्ट के अंदर सेल कलर के अकॉर्डिंग मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए सेल कलर के अंदर। और देखो अब यहाँ सारे कलर शो रहे हैं, आपको कौन सा कलर चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए, ऑन टॉप चाहिए, ऑन बॉटम चाहिए, सबसे नीचे चाहिए, सबसे ऊपर। अगर मान लो सबसे ऊपर चाहिए, ओके किया तो देखो ग्रीन कलर सबसे ऊपर आ गया और बाकी का डेटा वैसा का वैसा जैसे मैंने जो रखा था वैसा का वैसा आ गया है। अगर यही चीज कोई और कलर का चाहिए होता तो कोई और कलर के अकॉर्डिंग में आप कर सकते थे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, कि हम कलर्स के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मेटिंग की है, जो आता है ना कलर सॉर्ट बाय कलर, तो ये है। आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो, नो फिल किया तो नो फिल वाले सारे ऊपर आ गए, बाकी पूरा डेटा जो जैसा का था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, उस तरीके से अब आपको डेटा दिख रहा है। सो दिस इज योर लाइक कलर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना। बाकी जो सॉर्टिंग थी, जो फिल्टर्स बाय टेक्स्ट फिल्टर्स थे, नंबर फिल्टर्स थे, उसके बारे में हम बात कर चुके थे। फिल्टर्स को कैसे डिलीट करना है, अगर मुझे यहाँ से फिल्टर हटाना है तो यहाँ से फिल्टर हटाने से क्या है, सब पे फिल्टर हट जाएगा। मान लो मैंने यहाँ मंथ पे भी लगा दिया दिसंबर एंड यहाँ से मैं फिल्टर हटा सकती हूँ, इस तरीके से मैं हटा लूंगी। ओके, हाँ जी हाँ जी, मिस्टर शर्मा बताइए। हेलो मैम, बोले हैं कि आपकी क्लास जो रिकॉर्डेड होती है उसको हम पीसी में कैसे दे सकते हैं? सर उसके लिए मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप ग्रुप में आप ये मैसेज डाल दीजिएगा, वहां से मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, उससे आप डायरेक्टली अपने पीसी में भी उसको देख सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, चलिए अभी तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि हमने सॉर्ट कैसे किया कलर के अकॉर्डिंग। कोई डाउट है अभी तक, प्लीज आप बोला करो, ऐसे बोलने से ऐसा होगा कि हाँ आप लोग एक्टिव हो, सुन रहे हो एक्चुअल में। नो मैम, नो डाउट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक फिल्टर्स की बात कर ली है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने। आज ना मेरा मन था कि मैं आपको फॉर्मूलाज कराऊं, तो चलिए अभी हम फॉर्मूलाज करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज रखे हुए हैं ऑलरेडी पहले से ही, तो वो करते हैं। देखें, आपने नॉर्मल फॉर्मूला तो आपने किया था, सम किया था ना आप सभी ने, जैसे इक्वल्स टू सम लगा के फिर हमने सम किया था। तो सम के अंदर क्या है, बहुत बेसिक चीज है, हम बेसिक चीज समझते हैं कि ये बहुत इनिशियल स्टेज है फॉर्मूलाज की। देखें, जब हमने सम किया था तो हमने क्या किया था कि इक्वल्स टू, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो इक्वल टू से स्टार्ट होता है, एस यू एम, यहाँ पे वो लिख के क्या देता है, नंबर वन फिर कॉमा नंबर टू, ऐसे करके दिया था, फिर नंबर थ्री एंड सो ऑन, इस तरीके से आपका फॉर्मूला डिनोट करता है। फॉर्मूला ये कहता है नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री ऐसे करके मुझे दे दो, ठीक है। लेकिन उसके बाद
एक्चुअल में आप क्या करते हो, इक्वल्स टू सम, यहाँ पे या तो आप कोई सेल नंबर दोगे A1, A2, A3, या तो आप मैन्युअली ये करके लिखो, ये भी उतना फिजिबल नहीं रहेगा, या फिर आप क्या करते हो A1 से लेकर A4 तक ऐसे लिख के दे देते हो। इसमें आपने क्या दी है, रेंज दी है। रेंज क्या बोलते हैं, जब हमने एक जगह से, मान लीजिए मैंने यहाँ ये A5 है और ये A11 है, यहाँ तक का मुझे सम चाहिए, तो मेरी रेंज क्या बन जाएगी, A5 कॉलन A11, ये मेरी रेंज बन जाएगी, राइट, ये मेरी रेंज बन जाएगी। तो इस तरीके से जो आप ये बीच में लिखते हो उसको रेंज बोलते हैं। अब जो मैं आपको फॉर्मूलाज कराने वाली हूँ, चाहे मैं एवरेज कराऊं, काउंट कराऊं, काउंट ए कराऊं, उनमें जो सिलेक्शन होगी ना, सिलेक्शन वो बिल्कुल सम वाले फॉर्मूला जैसी होगी, मतलब आपको एक बस रेंज चूज कर लेनी है और आपका फॉर्मूला लग जाएगा। आपको इधर उधर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, उसका यूसेज क्या है, उससे आंसर क्या निकलने वाला है। बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता कि क्या आंसर आने वाला है, फिर आप उस फॉर्मूला को क्यों ही लगाओगे। आपको कोई चीज आती है लेकिन वो एग्जैक्ट कहाँ लगेगी अगर यही नहीं मालूम, तो उसे ढंग से कैसे लगा पाओगे, तो इसलिए वो भी पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम अपना फॉर्मूला शुरू करते हैं, काउंट से शुरू कर लेते हैं। काउंट एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको कोई भी चीज काउंट करके देता है, ठीक है। अब लेकिन ये कोई भी चीज में दो चीजें काउंट नहीं करता है, मतलब सॉरी दो ही चीजें काउंट करता है, द फर्स्ट वन इज नंबर एंड द सेकंड थिंग इज डेट्स। ये डेट्स को काउंट कर देता है कि कितनी डेट लिखी हुई है, ये नंबर को काउंट कर देता है। इसके अलावा अगर कोई टेक्स्ट लिखा हो, कोई एरर हो, कोई ब्लैंक हो, तो ये उसे काउंट नहीं करता है। चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ, मुझे नहीं पता ये कितनी एंट्रीज हैं, मुझे नहीं पता, मुझे जाननी है, तो मैं अगर इन नंबर्स को काउंट कर लूँ तो मुझे पता लग जाएगा, मुझे बस इन्हें काउंट करना, ठीक है। अच्छा जी काउंट कर लेते हैं, नंबर्स को काउंट करना है, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला स्टार्ट लगाने के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं, इक्वल्स टू काउंट, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको जो फॉर्मूला चाहिए वो ऊपर की तरफ आ गया तो आप सीधा टैप प्रेस कर सकते हो, टैप प्रेस करते ही ये अपने आप तो कैपिटल फॉर्मेट में हो जाता है और अपने आप आपके लिए ब्रैकेट लग जाता है, अपने आप ही पैरेंथेसिस लग जाता है। जस्ट गिव मी अ मिनट। हां जी, हां जी, मिस्टर देवनाथ बताइए। मैम काउंट तो नीचे ही दिख जाएगा ना, दिखने में और फॉर्मूला लगाने में फर्क है ना। अब जैसे एक बात बताएं, हम फिल्टर्स लगाकर हम ये चीज देख सकते हैं कि रीजन का कितना है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या सेल है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ने कितना सेल किया है, ये चीज चेक कर सकते हैं ना, राइट। लेकिन फिर भी हम लोग सम इफ काउंट इफ वगैरह ये सारे फॉर्मूला सीखते हैं। क्यों सीखते हैं, एक तो होता है कि हम उसमें से डेटा सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन एक होता है कि आपको एक्चुअल में रिपोर्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास एक प्रोजेक्ट था, उसमें क्या था कि एक पर्सन ने अपनी सेल की शीट भेजी, उसमें क्या था 50 कोर्सेज वो सेल करते थे और उसमें ना स्टूडेंट की लिस्ट थी पूरी कि पूरे स्टूडेंट्स ने क्या क्या कब कब कौन कौन सा कोर्स खरीदा है। अभी वहाँ पे कोर्स के नाम लिखे हुए हैं और साथ ही साथ में बस मुझे ये जानना है कि उस लिस्ट में वो कोर्स कितनी बार रिपीट हो रहा है। अच्छा हाँ, तो वो कंडीशन आ गई, साथ ही साथ में क्या आया कि मुझे ये जानना है, काउंट जानना है। अगर मैं लिख के दूं, एक लिस्ट बना के दूं आप सभी स्टूडेंट की और वो लिस्ट में जो डेली की मार्किंग है वो मैं रखती रहूं, आज आप 10 लोग आए हो मैंने 10 लोगों का नाम लिख दिया, फिर नेक्स्ट डे कोई 9 लोग आए मैंने 9 लिख दिए, फिर नेक्स्ट डे कोई 20 लोग आए हैं मैंने 20 लिख दिए, लास्ट डे जाकर मैं ये चेक करना चाहती हूँ देवनाथ जी कितनी बार आए हैं, मिस्टर देवनाथ कितनी बार आए हैं। तो बस मुझे क्या चेक करना होगा कि इस पूरी लिस्ट में मिस्टर देवनाथ कितनी बार लिखा हुआ है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि उस पूरी लिस्ट में, जो मैं डेली बस आके बस एक लिस्ट बनाती जाती थी, मुझे पता लग जाए इस पूरी लिस्ट में देवनाथ कितनी बार लिखा हुआ है, तो मुझे ये पता लग जाएगा आप कितनी बार आए हो क्लास में जी। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मिस्टर देवनाथ को क्या कर रही हूँ, काउंट कर रही हूँ। तो काउंट फंक्शन बहुत जगह यूज होता है, बस कंडीशन आपको देख के। फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको यही बोला था, फॉर्मूला सबको आता है, इजी भी सब कुछ है, लेकिन क्या हमें चाहिए,
क्या वो एक वो एक्यूमेन चाहिए कि हमें जब हमारे पास सिचुएशन आए तब हमें बस इतना समझ होना चाहिए कि अच्छा मुझे इस सिचुएशन पे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ऐसे करके मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो okay, अब उस सिचुएशन में उस लिस्ट में मैं क्या करूंगी, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगी, क्योंकि इफ एक कंडीशन दे देता है और उसमें मैं सर्च कर लूंगी कि मिस्टर देवनाथ कितनी बार लिखा है, वो मुझे काउंट करके दे देगा आराम से। ओके मैम जी, तो चलिए अब हम लगाते हैं वहां पे काउंट का फॉर्मूला। तो काउंट का फॉर्मूला भी नॉर्मल जैसे सम का फॉर्मूला लगाया था, एसयूएम किया था वैसे काउंट किया, पैरेंथेसिस ऑन किया, तो ये टैब टैब जैसे ही प्रेस करोगे अपने आप ब्रैकेट लग के आ जाता है, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे वैल्यूज को काउंट करना है, वैल्यूज को काउंट करो, ये किया मैंने, क्या बताया काउंट किस कुछ चीज को काउंट करता है, या तो नंबर्स को काउंट करता है या फिर ये डेट्स को काउंट करता है। तो अब सब कुछ करके देखेंगे, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो इसने मुझे करके दिया कि ये 13 है, चेक कर लेते हैं। इसमें मैंने यहाँ सिलेक्शन की, यहाँ नीचे की तरफ देखो, यहाँ काउंट दे रहा है कि ये 13 है। हेलो, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ मिस अरोरा सॉरी, मैंने गलती से लोअर कर दिया। हाँ जी बताइए मैम, मैं ये कह रही थी कि ये टेबल हमें मतलब पहले डिफाइन करनी पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए, या ऑटोमेटिकली हमारे पास कहीं है डाटा, बनानी पड़ेगी पहले ये टेबल प्रैक्टिस के लिए? नहीं 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 नहीं, जो भी काम अभी अभी हम करेंगे ना पूरी क्लास में, जो शीट पे मैं काम कर रही हूँ यही शीट मैं आपको सेव करके दूंगी, ताकि जो जो चीजें मैं लिख रही हूँ, जो जो फॉर्मूला मैं लगा रही हूँ, वो सब कुछ आपके पास पहुंचे। व्हाट्सएप से या मतलब कैसे पहुंचेगा? व्हाट्सएप से भी पहुंचेगा, व्हाट्सएप पे भी पहुंचेगा इस क्लास के एंड के बाद, और साथ ही साथ में जब आप एप्लीकेशन पे अपनी रिकॉर्डिंग्स देखते हो ना, वहाँ पे एक और फोल्डर भी मिल जाता है आपको, जिसके अंदर जिप फाइल होती है सभी एक्सेल फाइल्स की, तो वहां से भी आपको मिल जाएगी। ओके मैम, इवन जो पीछे की क्लासेस गई है ना, पीछे की क्लासेस उसका भी मिल जाएगा। मिस्टर शंकर आप म्यूट कर लीजिए। मैम जिप फाइल ओपन नहीं हो पाता है। हेलो, जिप फाइल ओपन नहीं होता है? नहीं मैम, आप उसे एक्सट्रैक्ट कीजिए ना सर, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ओपन होगा। ओके मैम, हाँ जी ठीक है, तो आपको मिल जाएंगी पीछे की फाइल्स भी सारी मिल जाएंगी, जितने भी हम लोगों ने 5 से 6 क्लासेस की हैं सबकी फाइल्स वहाँ अवेलेबल है, तो वहाँ चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब हम फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। इसने हमें क्या काउंट दिया, 13 काउंट दिया। इसने मुझे क्या बताया कि हमारी 13 एंट्रीज हो रखी है, रुको ज्यादा हो गया। ओके, आप इसे सेलेक्ट करो, यहाँ नीचे की तरफ देखो जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पे भी हमें बता रहा है काउंट 13 है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला एकदम करेक्ट लगा था। ओके अच्छा, मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये क्या क्या काउंट करके देता है, ये नंबर काउंट करके देता है, ये डेट काउंट करके देखता है। चलो जी चेक कर लेते हैं, काउंट लगाया फॉर्मूला, टैब किया वैल्यूज में, अब मैंने ये डेट वाला कॉलम ले लिया, मुझे चेक करना है, एंटर किया तो इसने मुझे 13 दे दिया, विच इज अ करेक्ट आंसर। हाँ अब चलो ये काम एक बार टेक्स्ट के लिए करके देख लेते हैं। काउंट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट ही तो लिखे हुए हैं, ये मैंने किया पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो इसने 0 दिया। 0 क्यों दिया, क्योंकि ये कहता है, देखो फॉर्मूला साफ साफ अपने अपने खुद से कह रहा है, फॉर्मूला कहता है देखो मैं ना, अगर मुझे काउंट फॉर्मूला लगाओगे ना तो मैं आपको नंबर काउंट करके दूंगा, आपको डेट काउंट करके दूंगा, इसके अलावा कुछ काउंट कराओगे तो मुझे नहीं पता। अब क्या जो लिस्ट मैंने चूज की थी, जो मैंने लिस्ट पूरी सेलेक्ट की थी टेक्स्ट वाली थी, उसमें कोई भी नंबर था तो उसने मुझे काउंट करके ही नहीं दिया। अगर मैं वहां कोई नंबर लिख देती, देखो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था ना प्रोडक्ट, मैं चेक करती हूँ, हाँ डी प्रोडक्ट किया था, यहाँ मैं 100 लिख देती तो इसने मुझे काउंट करके दे दिया 1, क्योंकि ये नहीं कह रहा मैं करके नहीं दूंगा, नेगेटिव बातें नहीं करता, ये पॉजिटिव बातें करता, कहता है मैं ये काम करता हूँ, मुझसे नंबर काउंट करा लो, मुझसे डेट काउंट करा लो। मान लो मैंने यहाँ पे इस डेटा में आज की कोई डेट फिल कर दी, तो इसने देखो यहाँ पे 2 काउंट दे दिया है मुझे, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ मेरे को 2 काउंट दिया इसने, क्यों, क्योंकि इसने पहले बोल दिया था मैं नंबर काउंट करके दूंगा, मैं डेट काउंट करके दूंगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या रेंज चूज करके दिया, इसको रेंज में से चेक करना था, रेंज में से इसने चेक किया, अच्छा एक नंबर है एक काउंट है, इसने दोनों काउंट कर लिया, बाकी टेक्स्ट है वो उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा है कि है तो ठीक है नहीं है तो ठीक है, उसको 0 कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला है, मैंने ये दोनों यहीं लगे रहने दे दिए हैं, ठीक है, ताकि आप जब शीट देखें तो आपको दिक्कत ना हो। और हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये क्या क्या करता है, एक तो ये नंबर को काउंट करता है और एक ये डेट को काउंट करता है।
ठीक है, अब जो काउंट ए है ना वो एक सेकेंड, हाँ जी बाय, जो काउंट ए है वो नंबर को भी करता है, डेट को भी करता है, टेक्स्ट को भी करता है, एरर को भी करता है, ठीक है। ब्लैंक के लिए हमारे पास अलग से फॉर्मूला होता है, ब्लैंक को कोई भी काउंट नहीं करता, ना काउंट करता है ना काउंट ए करता है, और ब्लैंक के लिए आपको करना पड़ता है। आप देख लो, आप चाहे मान लो ये आपने यहाँ पे जो सम लिया, यहाँ पे जो काउंट लिया हुआ था वो क्वांटिटी का लिया हुआ था, यहाँ पे देखो फॉर्मूला देखो E2 से लेके E14, E में क्या है क्वांटिटी है, मैं यहाँ से ये इसको डिलीट कर देती हूँ, देखो यहाँ 12 आ गया आपका काउंट, क्योंकि ये ब्लैंक को काउंट ही नहीं करता है, ब्लैंक को काउंट नहीं करता है, तो वहां कोई ब्लैंक था तो उसने काउंट नहीं किया, आपको बता दिया कि सिर्फ 12 एंट्रीज है, ओके। तो ये आपका काउंट फंक्शन था, काउंट फॉर्मूला था। अब यही पे आप काउंट ए लगाए, एक सेकेंड, यहीं पे आप काउंट ए लगाएं, काउंट ए टैब प्रेस करें, अपने आप ये कैप्स में भी हो जाता है, ऑल्दो अभी भी कैप्स में लिखा था हमने, बट ऑटोमेटिकली कैप्स में भी हो जाएगा, पैरेंथेसिस ऑन हो जाएगा। अब देखो इसको वैल्यू चूज करके देखो, इसने दिया, हाँ वैल्यू भी देगा। अच्छा मान लो मैं इसे टेक्स्ट देती, टेक्स्ट दो, ये टेक्स्ट रहा, पैरेंथेसिस ऑफ करो, एंटर करो, तो देखो इसने मुझे टेक्स्ट का भी आंसर दिया, दिया आंसर, ये मुझे डेट का आंसर देता है या नहीं, चलो चेक कर लो, साइड में चेक कर लो, चलो कोई बात नहीं। काउंट रुको, काउंट देखो हम नीचे आए, टैब किया तो इसने पूरा लिख के दिया मुझे, ठीक है ओके। अभी काउंट ए में हमें चाहिए डेट, डेट के लिए मुझे यहाँ थोड़ा सा आना पड़ेगा, मैंने पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो इसने मुझे देखो डेट का भी काउंट दिया है, इसने मुझे डेट का भी काउंट दिया है, लेकिन यहाँ कोई ब्लैंक होता तो ये उसका काउंट नहीं देता। मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल्स टू काउंट ए लगाती हूँ, वैल्यूज हम यहाँ पे ले लेते हैं, पैरेंथेसिस ऑफ करते हैं, एंटर करते हैं, तो देखो इसने मुझे 10 दे दिया, इसने ब्लैंक्स को काउंट नहीं किया, इसने टेक्स्ट को काउंट कर लिया है, ये ब्लैंक्स को कंसिडर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया, काउंट ए क्या करता है, ब्लैंक्स को नहीं करता, क्योंकि कहता है ब्लैंक के लिए अलग से है तो सही, मैं क्यों करूं वो काम, बात तो उसकी भी सही है, वो क्यों करे काम। ये मैं आपका डेटा कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दोनों फॉर्मूलाज मैं आपको बता चुकी हूँ, विच इज काउंट एंड काउंट ए। उसके बाद काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कर लेते हैं कुछ डेटा ना, मैं रिमूव कर देती हूँ, देखो अब आपके पास है कि काउंट ब्लैंक आपने करना है, काउंट ब्लैंक में क्या करेंगे, इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, नीचे आए टैब प्रेस किया, वही है रेंज देनी है। अब आप जानना चाहते हो पूरे डेटा में कितने कितने ब्लैंक्स हैं, तो पूरे डेटा में भी जान सकते हो, अगर आप जानना चाहते हो सिर्फ इसमें कितने ब्लैंक्स हैं तो ये रेंज सेलेक्ट करो, जो भी आप सिलेक्शन करते हो ना वो उसी में ही ढूंढता है, उसके आसपास नहीं देखता। अब मैंने इतना सिलेक्शन किया, मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो इसने मुझे कितना बताया, कितने ब्लैंक है, 4 ब्लैंक है, देखो 1 2 3 4। और वहीं पे ही अगर मैं, चलो इसे रिमूव कर देते हैं, देखो मैंने फॉर्मूला बार से रिमूव कर दिया, और वहीं पे अगर मैं पूरा डेटा लेती, पूरा डेटा सेलेक्ट करके एंटर करती, तो इसने पूरे डेटा का बताया कि टोटल 17 ब्लैंक्स हैं। ये क्या है, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी फॉर्मूला लगाओ, जब भी आप फॉर्मूला लगाओ तो हमेशा याद रखो रेंज उसके लिए भगवान है, जो आप दोगे जो आप बताओगे फॉर्मूला उसको अपना भगवान मानता है, कहता मेरे लाइक जो ये फॉर्मूला लगा रहा है उसने मुझे कहा है कि इस इसमें से देख के बताओ, इस इसका ये चीज करके बताओ, तो वो उसी को ही कंसिडर करेगा, इसके अलावा वो कुछ और कंसिडर करता ही नहीं है। तो इसीलिए हमेशा मेक श्योर, चाहे वी लुकअप लगाओ, चाहे एच लुकअप लगाओ, चाहे फिल्टर लगाओ, चाहे डीसम लगाओ, कुछ भी लगाओ, अच्छे से अच्छा फॉर्मूला लगाओ, छोटा से छोटा फॉर्मूला लगाओ, आपका रेंज जो बोलता है वो बिल्कुल करेक्ट दो, वरना आंसर गलत आएगा, ठीक है। चले यहाँ पे हम लोगों ने 3 फॉर्मूले करे हैं, विच इज काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। काउंट इफ अभी नहीं करेंगे, मैं पहले आपको इफ कराऊंगी, इफ समझ आएगा,
तो इफ समझ आएगा तभी तो जाके काउंट इफ समझ आएगा, बिकॉज इफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो इक्वल्स टू इफ किया तो देखो टैब किया तो देखो कितना लिख के आया, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स। अभी मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगी तो नहीं आएगा, देखो आप लगा के देखो काउंट इफ टैब तो देखो क्या क्या आ रहा है, रेंज और क्राइटेरिया। इसके आगे इस बार एक बार क्या आ गया, क्राइटेरिया। तो आपको समझना भी तो होना चाहिए ना क्या रेंज क्राइटेरिया। अभी तक तो आप जब काउंट लगा रहे थे, देखो यहाँ काउंट लगा रहे थे, टैब कर रहे थे, तो वैल्यू वन वैल्यू टू जैसे सम में आता था वैसे आ रहा था, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली करा दिया। तो ये वाला मैं अभी नहीं कराऊंगी, पहले देखो मैं यहाँ पे आपको इफ कराऊंगी। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इफ के लिए बनाया हुआ है डेटा, जैसे ही आप वो कर लोगे तब मैं आपको सम इफ भी कराऊंगी, काउंट इफ भी कराऊंगी, एवरेज इफ भी कराऊंगी, सब एक साथ करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है, अगर मैं जानना चाहती हूँ इस क्वांटिटी में, ये जो हमने जितनी क्वांटिटी सेल करते हैं इसमें सबसे मैक्सिमम हमने किसको सेल किया, हमने क्या मैक्सिमम सेल किया, वो नंबर जानना चाहते हैं, तो इक्वल्स टू मैक्सिमम। मैक्सिमम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, मैक्स लिखते हैं ना, तो मैक्स लिखा, टैब प्रेस किया, वही है नंबर वन नंबर टू, हमेशा फॉर्मूले की सुनो। तो ये बोल रहा है ना, तो आपने ये रेंज ले लेनी है, रेंज आपने ये ली एंड एंटर किया तो ये 483 दिया, ठीक है। अब सोच के देखो रेंज की मिस्टेक हो जाए तो क्या होता है, मैक्स किया, टैब किया, मैंने ना रेंज गलती से यहां तक ही ले ली, वो 483 की गलती से मुझसे छूट गया, मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो अब ये मुझे क्या दे रहा है, हाईएस्ट 473। क्या एक्चुअल में आपके डेटा में 473 हाईएस्ट था? हाँ उसके लिए तो था, ऑब्वियसली आपने रेंज ही इतना चूज किया है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही थी रेंज को ध्यान से देखेंगे हम पूरा अच्छे से, हमने पूरा सिलेक्शन किया है या नहीं किया है, और उसके बाद ही हम ये कंसिडर कर पाएंगे कि हमारा फॉर्मूला एकदम करेक्ट तरीके से लगा हुआ है। उसके बाद ठीक वैसे ही अगर मिनिमम जानना हो तो इक्वल्स टू मिनिमम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, MIN होता है, मिन होता है, टैब करेंगे और उसके बाद नंबर ले लेंगे, यहाँ से कोई भी नंबर चूज किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो आपके पास यहाँ पे ये फॉर्मूला, आपके पास ये नंबर आ गया कि इस पूरे डेटा में जो रेंज आपने दी है उसके अंदर मिनिमम वैल्यू क्या लिखी हुई है। अगर मैं जानना चाहती मिनिमम अमाउंट सेल का तो क्या करती, मिनिमम टैब, हम कम से कम कितना सेल करते हैं, हमने कम से कम कितना सेल किया, हमने ये लिया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, मेरे पास आया मिनिमम, मैंने इतना सेल किया। जस्ट वेट, हाँ जी हाँ जी बताइए मिस्टर विक्रम, बताइए कोई डाउट है आपको? मिस्टर विक्रम कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। चलिए जब भी आपका कोई डाउट हो तो प्लीज आप अनम्यूट करके बोल दीजिएगा, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। ओके नेक्स्ट आपके पास आता है एवरेज। एवरेज क्या होता है, देखो एवरेज भी वैसे डायरेक्टली मिल जाता है, जैसे ही आप देखो मैंने इस क्वांटिटी को किया तो नीचे आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ पे, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, एक तो मिलता है सम कि इन इस, ओके मैंने सिलेक्शन ही नहीं किया है, सिलेक्शन किया, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, एक तो मिलता है सम कि जितना आपने सिलेक्शन किया हुआ है उसका सम क्या है, 4278। एक आपको मिलता है काउंट, ये ऑटोमेटिकली मिलते हैं काउंट कि आपने जितने की सिलेक्शन की हुई है वो 13 नंबर है, और एक मिलता है आपको एवरेज विच इज जो इन सभी नंबर्स का एवरेज है। लेकिन आपको देखो सारी चीज जो दिख रही है वो ठीक है, लेकिन फॉर्मूला भी तो लगाना आना चाहिए, तो फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू एवरेज टैब, उसके बाद नंबर्स लेंगे, नंबर्स लिया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो इसने भी मुझे यही एवरेज दिया, देखो ये सर्च करो, देखो यही एवरेज दे रहा था 329.0.7649231। ये अगर मुझे इसके डेसिमल हटाने हैं तो मुझे क्या करना होगा, जल्दी से मुझे बताएं, मैं कौन सा ऑप्शन क्लिक करूं, बताएं मुझे, मुझे इसके डेसिमल हटाने हैं या कम करने हैं डेसिमल? हाँ जी एक सेकंड मैम, होम पे जाके, होम टैब में जाके अंतर है। हाँ मैं होम टैब पे आ गई हूँ, अब मैम डेसिमल पे जाना, नंबर पे जाके क्लिक करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। वैसे आप जैसे ही इसके पास जाओगे तो ये आपको एक ऐसा ये डायलॉग बॉक्स सा आता है जो आपको बता देता है कि डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है। डिक्रीज करना है तो इंक्रीज पे जा सकते हैं, डिक्रीज करना है डिक्रीज पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये आपने कर लिया।
नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ एवरेज। मैम और एक शॉर्टकट भी है। हाँ जी बताइए मैम। वो तो हम ऑल्ट एच के से भी कर सकते हैं। ऑल्ट एच के बोल रहे हो? हाँ जी बताइए कौन बोल रहा था। मैं बोल देती हूँ, मैं बोल रहा था कि अगर ऑल्ट एच के प्रेस करते हैं तब भी तो वो पूरा शॉर्ट होके आ जाता, मतलब दो लास्ट डेसिमल में ही आता वो। तो ऑल्ट एच के किसकी शॉर्टकट की है? अकाउंटिंग का। अच्छा ठीक है, वो फॉर्मेट आ जाता। नहीं नहीं मुझे फॉर्मेट नहीं, मेरे को बेसिक ये जानना था कि अगर आपको डेसिमल कम करने हैं तो कैसे करना है। मुझे फॉर्मेट नहीं चेंज करना था, मुझे नॉर्मली जो उसका जर्नल या नंबर जो फॉर्मेट था ठीक है, मैं जर्नल भी रख सकती हूँ कि हाँ मुझे जर्नल करके और फिर मुझे इसको डिक्रीज करना था। मुझे बस ये जानना था कि आप लोगों को ये फीचर याद है या नहीं याद है। हाँ जी मिस्टर विक्रम एंड हाँ जी मिस अरोड़ा, आपने भी ये शायद किया था, मैंने बीच में देखा था। हाँ जी बताइए। आप एक एक करके बोले बस बताएं। हम टाइप पर डिक्रीज डेसिमल। हाँ इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ जी वो आपको समझ नहीं आया, दोबारा बताना है मैम। अगर डेसिमल को डिक्रीज करना है तो होम टैब पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वहीं से डिक्रीज कर सकते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। अब आप बोलिए मिस्टर विक्रम। या मैडम सॉरी मेरा माइक काम नहीं कर रहा था मैडम, वो मुझे काउंट ब्लैंक का एक बार दोबारा बता दीजिए। सॉरी काउंट ब्लैंक। हां ठीक है अभी बता। थैंक यू सो मच। देखिए काउंट ब्लैंक भी जैसे सब है वैसे ही है। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए सभी, अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूं। काउंट ब्लैंक क्या है कि आपको ब्लैंक्स को काउंट करके देता है। मान लीजिए आपका ये डेटा है और अगर मैं इसमें रेंज ही ये दूंगी कि मुझे इसमें से काउंट करके बताओ कितने सेल ब्लैंक है। हो सकता है बहुत बड़ा डेटा और आपको जानना हो कि पूरे डेटा में कितने ब्लैंक सेल हैं, तो आप इसके थ्रू जान सकते हो। अब आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, ये नीचे आए यहाँ तक देखो ये ब्लू में दिख रहा है काउंट ब्लैंक, टैब प्रेस करो तो ये ऑटोमेटिकली काउंट ब्लैंक में लिख के देगा, पैरेंथेसिस ऑन करके देगा। ओके उसके बाद आप अपना डेटा सेलेक्ट कर लो। अब आप चूज करो कि आपको इस पूरे डेटा में चेक करना है कितने ब्लैंक हैं या आपको ये चेक करना है कि इसमें कितने ब्लैंक हैं। मान लो मैंने डेटा ही यहाँ तक चूज किया, मैंने डेटा ही यहाँ तक चूज किया और फिर मैं एंटर कर देती हूँ तो देखो इसने मुझे बताया सिर्फ 3 ब्लैंक है क्योंकि मैंने चूज ही यहाँ तक किया था तो 3 ब्लैंक के लिए है। अगर मैं पूरा डेटा चूज करती तो वो मुझे 5 ब्लैंक बताता। चलो मैं रेंज चेंज करके देख लेती हूँ, मैंने इसमें इसको इरेज कर दिया है। अब काउंट ब्लैंक में मैंने कंप्लीट रेंज लिया है, पैरेंथेसिस ऑफ किया है, एंटर किया है तो इसने देखो मुझे बताया यहाँ पे मैंने 5 ब्लैंक आए हैं। तो ये बस कुछ नहीं है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको क्या निकालना है, ब्लैंक निकालना है, काउंट करनी है मुझे कितने ब्लैंक है, तो आप काउंट ब्लैंक फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद कहाँ ढूंढना है ये सोचो, रेंज मतलब कहाँ पे ये चीज मिलेगी, तो आपको इस डेटा में ढूंढना है या इसमें ढूंढना है, सिर्फ इसमें ढूंढना है, पूरे में ढूंढना है, सिर्फ इन तीनों में ढूंढना है। इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली अबाउट योर रिक्वायरमेंट कि कैसा आपका डेटा का रिक्वायरमेंट है, कैसा आप आंसर चाहते हो, उस अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन करके इसको निकाल सकते हो। ठीक है इसके बाद थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। हाँ जी हमने एवरेज तक कर लिया था, अब बात आती है एवरेजिंग। याद करो जब हमने काउंट किया था तो काउंट में हम ये कह रहे थे ये नंबर और डेट को काउंट करके दे देता है, और काउंट ए की जब बात हुई तब हमने कहा ये नंबर डेट टेक्स्ट एरर ये सब कुछ काउंट कर लेता है। तो ठीक वैसा ही एक माइनर सा डिफरेंस है एवरेज और एवरेज ए में। एवरेज जो है वो आपके नंबर्स का एवरेज निकालता है, क्या करता है नंबर्स का एवरेज निकाल देता है, सिर्फ नंबर्स को कंसिडर करता है और किसी चीज को कंसिडर करता ही नहीं है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये सिर्फ नंबर्स। अरे एक सेकेंड, ये सिर्फ नंबर्स को नंबर्स को कंसिडर करता है। ये जो है वो नंबर्स को तो कंसिडर करता ही है, साथ ही साथ में ये अगर ट्रू लिखा हो तो उसे 1 काउंट करता है, फॉल्स लिखा हो तो 0 काउंट करता है, कोई एरर हो तो 0 काउंट करेगा, उन्हें काउंट ही नहीं करेगा, उन्हें समझेगा ही नहीं, उन्हें समझेगा कि हाँ उसमें लिखा तो हुआ है लेकिन मुझे इसको बस ज्यादा कुछ नहीं मानना है, इसको बस 1 मान के फिर इसका एवरेज निकाल देना है। चलो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रही हूँ,
यहाँ पे कुछ नीचे यहाँ नंबर्स लिख रही हूँ ताकि वो आपको समझ आए जितने नंबर्स का मैं यहाँ पे लिख सकते हैं 10 ट्रू, 1 ट्रू, फॉल्स, 4 1 10, ऐसे किया हमने, कितना आया ये 16, ठीक है 16 टोटल आया है, ठीक है हमने इसको ऐसे किया तो इसका एवरेज 4 दिखा रहा है, एवरेज 4 दिखा रहा है। अभी हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है, एवरेज ए टैब, उसके बाद हमने ये ली वैल्यू, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो इसने बताया 2.833 कैसे आया, इसको इसने 1 काउंट किया, इसको इसने 1 काउंट किया, इसको इसने 0 काउंट किया, इसने इसको 4 काउंट किया, 1 काउंट किया, 10 काउंट किया, टोटल कितना आ जाता है, ऑल्ट इक्वल टू कर लो, टोटल आया 17। 17 को डिवाइड किससे करेंगे, ये कितने नंबर्स लिखे हुए हैं मुझे जानना है, तो मैं क्या फॉर्मूला लगा सकती हूँ, मैं अभी से आपको करने का तरीका बता रही हूँ, वैसे ही कि आप देखो फॉर्मूला को कितने इजिली आप यूज कर सकते हो, ये किया, ये किया, एंटर 6, 17 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है, यहाँ पे पता कर लेते हैं, 17 डिवाइडेड बाय 6 2.833, मतलब आपका आंसर ठीक है। ये तो मैंने यहाँ बेसिक मैथ किया था खुद के लिए, मैं मैनुअली चेक करना चाहती थी तो ये मैनुअल थी। हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ जी मैम, मैं ये जानना चाह रही थी इसमें ट्रू और फॉल्स का ऐसा कहाँ यूज होगा, इसका जो ट्रू और फॉल्स लिख कर आएगा। मैम देखो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो बहुत रेयरली यूज होते हैं, तो ये एक बहुत ही रेयरली यूज होने वाली चीज है, कि मान लो किसी सिनेरियो में आपके पास कहीं कोई सिचुएशन लिखी हुई है, मान लो आपने ना कोई एक डेटा बनाया और उसमें एक सिचुएशन लिखी कि अगर ऐसा हो तो ट्रू आ जाए, अगर वैसा हो तो फॉल्स आ जाए, अगर पेमेंट आ गई है तो ट्रू आ जाए, अगर पेमेंट नहीं आई तो फॉल्स आ जाए, आपने तो एक फंक्शन हो गया आई थिंक। हाँ पूरी बात सुने, तो वहां पे ट्रू एंड फॉल्स आ गया है ना, आपने वो तो निकाल लिया इफ लगा के। अब आप लास्ट में ये जानना चाहते हो ऑन एन एवरेज ईयर मेरे पास कितनी पेमेंट आ जाती है, आपने अगर ये जानना है ऑन एन एवरेज आपके पास कितनी परसेंट कितना आ जाता है, तो आपने एवरेज ये लगा लेना अगर ट्रू कितनी बार आया हुआ है, लेकिन उससे फिर वो नंबर्स में आएगा। हाँ वो वहां गलत सिचुएशन बता दी है मैंने, नहीं वहां तो नहीं लगेगा ये, बट हाँ कहीं पे भी ट्रू फॉल्स का सिचुएशन है जहाँ वो उन नंबर्स में आपको जानना है कि कितनी बार आया हुआ है, ऑन एन एवरेज कितनी बार आया हुआ है, तो आप जान सकते हो। जनरल यूज़ ये, हाँ जी जनरल यूज़ में तो ये होता ही नहीं आई थिंक। हाँ क्योंकि एवरेज तो यूज़ होता है, बट एवरेज तो नहीं यूज़ होता। हाँ लेकिन सी इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं आपको जितने फॉर्मूलाज हो सकते हैं वो कराऊं, कि आपको नहीं पता अभी आप कोई भी ऐसी रेयर सी सिचुएशन आ गई और वहां पे एकदम से क्लिक हो जाएगा, अरे यार इस टाइप का भी कुछ होता है, हम लगा के ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्लास इनिशिएट किया था तो मैंने बोला था एक्सेल बहुत बड़ा, बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो यूज भी नहीं होती हैं, हम बहुत कम यूज करते हैं एक्सेल को, बहुत लिमिटेड जो चीजें होती हैं वो हमारे पास मैक्सिमम यूज होती है, बाकी चीजें तो ऐसी ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा एवरेज ए, ये सिर्फ मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताए कि कैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स को काउंट किया, कैसे मैंने यहाँ डिवाइड किया, तो ये बेसिक था जो कि मैंने खुद के लिए था, और ये यहाँ पे हमने फॉर्मूलाज किए। अब हम नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज और करने वाले हैं, मैं यहाँ पे इसको बेसिक फॉर्मूलाज का नेम दे देती हूँ, बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं फॉर्मूलाज के लिए, ये इस फॉर्मेट में मैंने बनाए हुए थे ताकि आपको ये बहुत आसानी से समझ आए, ये शीट जब आपको मिलेगी तो इसी तरीके से मिलेगी, तो आप आराम से यहाँ पे क्लिक करके जान पाओगे कि यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है, कैसे फॉर्मूला लगा हुआ है, एंड कुछ भी अगर इसके साइड में कुछ भी नोटेशन हमें देनी होगी तो हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है डे, डे फॉर्मूला आपको क्या बताता है, देखो आपको भी पता है, एक सेकेंड, कभी कभी क्या होता है ना, अभी मैं मान लो मैं आपको एक डेट लिख के देती हूँ, एक डेट लिख के दी मैंने, सॉरी
अरे छोड़िए, कोई बात नहीं। मैंने एक डेट लिखी है यहाँ पे, तो नाउ टेल मी कि इसमें से डेट क्या है, मंथ क्या है, मतलब डे डे क्या है, मंथ क्या है, और ईयर तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि ईयर हमारा 2024 है। तो जस्ट टेल मी कि इसमें से डे कौन सा है और मंथ कौन सा है। मैडम, डे 12 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बिकॉज हम 12 लिखेंगे बट हाँ जी, हाँ जी, वो 2 12 भी हो लिखते हैं। सकता है और 2 भी हो सकता है, एंड सेम गोज विद द मंथ कि ये 12 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, तो ये कंफ्यूजन रहेगा, राइट? तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए और हमें जानना हो कि भाई ये जो डेट लिखी है, ये हमारे सिस्टम के अनुसार होता है एक सेकेंड मैं आपकी बात सुनती हूँ, एक सेकंड मुझे। हाँ जी, आप बोले क्या कह रहे हैं, बताएं मिस्टर शंकर क्या कह रहे हैं आप। ये हमारे जो सिस्टम है, डेट एंड टाइम होता है, फिक्स उसके अनुसार होता है आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा, आप बहुत ज्यादा बैकग्राउंड। क्या बोल रहे हैं कि वो जो डेट है वो अपने सिस्टम के अनुसार, जो सिस्टम में है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, उसकी बेस में आता है करके बोल रहे हैं। अच्छा सर, वो यहाँ पे तो फॉर्मेट होते हैं ना अलग अलग, आप नंबर फॉर्मेट में जब जाएंगे यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट के, आप प्लीज हाँ जी मैम, करेंगे हाँ म्यूट 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 करेंगे। ओके मैम, ओके। हाँ जी हाँ जी, यहाँ तो हम डेट को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ना, कोई भी फॉर्मेट में आप कर सकते हो, कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। कस्टम फॉर्मेटिंग में आप मंथ को आगे और डे को पीछे लिख सकते हो, आप कैसे भी लिख सकते हो, वो वाली चीज है। अब मान लो कहीं पे भी आपके पास कोई डेटा आया, आपके मैनेजर ने आपने आपको डेटा दे दिया है, और वहां पे किसी भी डेटा में एक सिंगल डेट का सारा कुछ है, और आपको जानना है कि इसके अंदर डे कौन सा है। अब मुझे तो पता नहीं लग रहा 12 डे है या 2 डे है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, यहाँ डे का फॉर्मूला लगाऊंगी, डे करके टैब करूंगी, तो इसने मुझसे क्या मांगा है, सीरियल नंबर, मतलब वो डेट मांगी है, मैंने इसको दिया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो इसने मुझे बताया सेकंड इज द डेट, कि इसमें जो 2 लिखा है ना वो तो डेट है। फिर मुझे ऑटोमेटिकली समझ आ गया, अच्छा ये 2 दिसंबर 2024 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डे फॉर्मूला आपको क्या, ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जितने भी मैंने लिखे हुए ना, ये बहुत बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो कि आसानी से अभी सारे हो जाएंगे, एंड और भी हम छोटे छोटे फॉर्मूलाज करेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं, कल हम और भी करेंगे, लेकिन ये बहुत ही मतलब ऐसे सिचुएशनल चीजें हैं, कभी भी कोई छोटी छोटी सिचुएशन आ जाती है वहां पे लगती है, ऐसा कोई यूसेज नहीं है कि हाँ मैम ये वाला से तो बहुत ही ज्यादा काम आ जाएगा, ये तो बहुत ही कम काम आ जाएगा, नहीं, लेकिन यूसेज पे है कि कभी कभी डेटा में हमें काम आ जाता है, तो डे से हमें पता लग गया कौन सा डे है इस डेट के अंदर। अच्छा डेज, डेज क्या बताता है, डेज इज नथिंग रिलेटेड टू द कि भाई इस डेट का कुछ बता रहे ना, डेज का मतलब ये मुझे कैलकुलेट करके दे रहा है, ये मुझे कैलकुलेट करके दे रहा है इन दोनों के बीच में कितना कितना मतलब कितने डेज आते हैं। अगर किसी ने काम, अब आपको कहा जाए कि आपको ना सैलरी निकालनी है, बेस सैलरी किसी का 10,000 है, 10,000 वो लेते हैं, ठीक है, या फिर पर डे बता दिया, पर डे उनका जो सैलरी है वो 1,000 रुपीज का है, ओके 1,000 रुपीज का सैलरी है, ओके। अब आपको कहा कि है ना उनका ना वर्किंग डेज निकाल दो, या फिर उनका ना बस ये डेज निकाल दो कि 18 से लेके 26 तक कितना हुआ, ये मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो प्लीज डोंट लाइक ऐसे मत लेना कि अरे मैम नेटवर्किंग डेज से निकालो या उसमें वीकेंड्स क्यों ले लिए, अभी के लिए उतना डीप मत जाओ, बस एक बेसिक वो चीज ले रहे हैं कि हम लोगों को बस ये जानना है एक डेट से दूसरे डेट के बीच में अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मुझे जानना है इन दोनों डेट के बीच में कितने दिन हुए, तो कैसे निकालेंगे। इक्वल्स टू डेज टैब, उसके बाद ये क्या कह रहा है, फॉर्मूले की सुनो, हमेशा किसकी सुनो, फॉर्मूले की सुनो, ये क्या कहता है, एंड डेट, जब वो चीज खत्म हुई है तब की डेट क्या है। हाँ जी ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे चार्जर इनके लिए इसको लगाना होगा वरना ये बंद हो जाएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। बस एक सेकेंड और लगेगा मुझे। हाँ
हाँ जी, अब अगर मुझे जानना है कि इन दोनों डेट के बीच में कितने डेज आए हैं, तो मैंने डेज किया, टैब किया, अब मुझे ये क्या कह रहा था, एंड डेट बताओ, एंड डेट मेरा ये है कॉमा, उसके बाद स्टार्ट डेट मेरा क्या है, मेरा स्टार्ट डेट ये है, ओके, आगे ये कुछ पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, पैरेंथेसिस को ऑफ करो, एंटर करो, तो इसने मुझे बताया 282 डेज हैं इसके बीच में। अब मैं ऑब्वियसली उससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकती हूँ इतने दिन का वो हो जाता है, तो ये था डेज। एंड सिमिलरली सेम तरीके से होता है डेज 360, इसका भी फॉर्मूला वैसे ही लगेगा, बट देखते हैं फॉर्मूला क्या है और फिर इसका डिफरेंस समझते हैं। इक्वल्स टू डेज 360, इसमें देखो मैं हमेशा कहती हूँ रटनी नहीं है कोई चीज, ऐसे नहीं है कि एंड डेट आएगा फिर उसके बाद स्टार्ट डेट आएगा, बस यही करना है हमने ना। आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या मांग रहा है उसके अकॉर्डिंग करो। अभी स्टार्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट हमारा ये है कॉमा, उसके बाद एंड डेट क्या है, एंड डेट हमारा ये है, आगे मेथड में जाने की जरूरत नहीं है, पैरेंथेसिस ऑफ करो, एंटर करो, तो इसने दिया 278 डेज। देखो डेट तो सेम है, फिर क्या डिफरेंस है, चलो डिफरेंस समझाती हूँ आपको। डेज में वो ना काउंट करता है, डेज में वो क्या कंसिडर करता है, वो डेज में कंसिडर करता है जो एक्चुअल होता है, जो एक्चुअल होता है, एक्चुअल मतलब अगर आपका लीप ईयर है तो वो 366 कंसिडर करेगा, 365 कंसिडर करेगा नॉर्मल टाइम में, अगर आपके किसी मंथ में 31 डेज है तो वो 31 कंसिडर करेगा, किसी में, एक सेकंड मैं इसको साइड में करती हूँ, किसी में आपके 30 डेज हैं तो उसको 30 ही कंसिडर करेगा, किसी में अगर आपके 28 डेज हैं तो 28 करेगा, और कभी लीप ईयर में तो 29 है तो 29 कंसिडर करेगा। तो बेसिकली जो आपका डेज फॉर्मूला है वो आपके एक्चुअल पे काम करता है, एक्चुअली आपको आंसर देता है, लेकिन जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है 360 वाले का। 360 वाला आपके लिए क्या करता है, वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि पूरे साल में 360 डेज होते हैं, क्या मानता हूँ कि पूरे साल में 360 डेज होता है, और इसके अलावा और क्या मानता हूँ मैं, एक सेकेंड मुझे ड्रॉ वाला लेना होगा, इसके अलावा मैं मानता हूँ इतने डेज होते हैं, और कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो इसका मतलब हर महीने में कितने डेज कंसिडर करता है, वो 30 डेज कंसिडर करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फेब्रवरी चेक कर लो, आप जून चेक कर लो, आप जुलाई चेक कर लो, आप अगस्त चेक कर लो, आप दिसंबर चेक कर लो, कि भाई उसमें तो 31 है, उसमें तो 30 है, उसमें तो 28 है, उसमें तो 29 है, ये तो लीप ईयर है, ये तो लीप ईयर नहीं है, तो 365 कंसिडर करो या 366 कंसिडर करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मैं ये कंसिडर करूंगा कि 360 डेज है। और बहुत सारे क्वेश्चन भी जब हम करते हैं कुछ, जैसे इंटरेस्ट वगैरह निकालते हैं ना, ये प्लीज म्यूट कर लीजिए, जैसे बैंक्स में भी इंटरेस्ट वगैरह निकाले जाते हैं, तो क्या करते हैं, अगर हमें इक्वल पीरियड लेके चलना है कोई चीज में, आपने अजम्पशन ले ली मुझे तो इक्वल पीरियड लेके चलना है, तो वहां ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ, 2024 क्या है आपका, लीप ईयर है, 2024 आपका लीप ईयर है, अभी आपने यहाँ पे डेट ये वाली डाल ली, एक काम करो, आपने ये डेट डाली तो इसने 12 डेज दिए, मतलब 1 मार्च तक इसने मुझे काउंट करके बताया। अब देखो डेज 360 आपको क्या बता रहा है, 13 डेज, बताओ 18 फरवरी से लेके 1 मार्च तक एक्चुअल में डेज तो 12 होते हैं, लेकिन इसने 13 कंसिडर किए हैं, क्यों, क्योंकि लीप ईयर के अकॉर्डिंग जो आपका जो फरवरी का मंथ होगा वो 29 डेज का होगा, लेकिन आपके डेज 360 ने फरवरी को कितने का काउंट किया, 30 का, क्योंकि उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो हर मंथ को ही 30 का कंसिडर करके चलता है, तो इसीलिए इसने मुझे जो डे निकाल के दिए वो 13 निकाल के दिए, कहता इन दोनों के बीच के जो डेज हैं वो 13 हैं और इन दोनों के बीच के जो डेज हैं वो 12 हैं। ठीक है, आपको समझ आया, किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए, डाउट है इसमें, नो मैम, ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत बेसिक फॉर्मूला है, दोनों हैं, मैंने इन दोनों की आपको शॉर्टकट की भी बताई है कि जिससे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर देखो उन शॉर्टकट की से तो हम डायरेक्टली आंसर निकाल रहे हैं। अब मैं मान लो यहाँ पे कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन लगा दूं तो ये मेरे पास आज की डेट आ जाती है, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन लगा दूं तो ये मेरे पास अभी का टाइम आ जाता है, ये तो मेरे पास आ गया है। देखो ऊपर देखो फॉर्मूला बार में, देखो कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ फॉर्मूला,
कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होगी जहां पे टुडे टुडे का बहुत यूज होता है. हम जब नेस्टेड फॉर्मूलाज लगाते हैं, मतलब किसी फॉर्मूला के अंदर कोई फॉर्मूला लगाना हो तो टुडे का फॉर्मूला यूज होता है. तो वहां पे अभी मान लो आपको कोई डेट वेट का कोई वो है, तो आपको अलग से कहीं डेट लिखना है, फिर उस सेल को रेफरेंस देना है, करने की जरूरत ही नहीं है. आज के लिए टुडे लगा देंगे हम. तो टुडे का फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू टुडे वाइट टैब. ये दिख क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड, ये मे बी वाइट है, वाइट है ये फॉन्ट, एक सेकेंड, हाँ वाइट फॉन्ट है, सॉरी. अब ठीक है, इक्वल्स टू टुडे टैब. उसके बाद आप ये खुद ही कह रहा है कि बस आप कुछ मत करो, मेरे पैरेंथेसिस ऑफ कर दो. ये हमने पैरेंथेसिस ऑफ कर दिया, इसने खुद ने ही आपको बताया था ना पैरेंथेसिस ऑफ करने के लिए, आपने ऑफ किया, एंटर किया, तो इसने आज की डेट दे दी. देखो ये रहा, और ऐसे ही टाइम का होता है नाउ, वो आपको दोनों चीज दे देगा. पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो इसने मुझे, मैंने क्या लगाया था, नाउ 26/11, डेट नहीं चाहिए भाई, टाइम चाहिए हमें, तो इसने मुझे टाइम दे दिया. यहाँ ऊपर फॉर्मेट चेंज करने पे इसने मुझे टाइम दे दिया 19:10, 24 आवर्स वाली जो आपकी क्लॉक आती है ना उस अकॉर्डिंग दिया है 19:10. इसने अभी का टाइम दिया क्योंकि मैंने अभी कैलकुलेट किया, इसने तब मैंने कैलकुलेट किया था तो ये आया, अभी मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो ये, सॉरी मैंने कंट्रोल एल प्रेस कर दिया था, सॉरी 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 सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन. हाँ तो इसने मुझे 19:11 दे दिया, ठीक है. तो उस अकॉर्डिंग आप टाइम, मैम इज कॉल टू नाउ से डेट एंड टाइम दोनों आता है ना? नहीं सर, यहाँ पे टाइम आता है. हाँ हाँ जी मैम, मैंने ट्राई किया है काफी बार, तो डेट एंड टाइम दोनों आता है इस कॉल टू नाउ से. अभी हमने जब किया तो ये आया, दोनों भी आते हैं और ये सिंगल भी आया. इसका जो डिफरेंस है या ऐसा क्यों आता है, इसका आंसर मैं आपको कल डिटेल में जरूर दूंगी. ओके ओके मैम, थैंक यू. हां जी ठीक है, यहां तक सभी को समझ आया? यस मैम. ओके नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं, सेम है दोनों ही. इसमें क्या है कि वही वाली चीज है. आप मान लो ये ब्रेकेज में आपको दिया हुआ है, ऐसे 2/2/24 लिख के दे दिया, और आपको एक डेट बनानी है, डेट के फॉर्मेट में लिखनी है, तो कुछ नहीं करना, आपने डेट करना है. ये बहुत सिंपल से हैं, इनका मैंने बोला ना बहुत ज्यादा यूसेज भी नहीं है, बट पता होने चाहिए, ठीक है. डेट का लगाया, ईयर कौन सा है, ऑब्वियसली 2024 है, लेकिन इसमें डिफॉल्ट कुछ है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बाद में बताऊंगी. 2024 लगाया, ओके. मंथ आपने ये ले लिया, डे आपने ये ले लिया, अभी ऐसे किया एंटर, तो आपकी डेट लग के आ गई है. लेकिन आप देख रहे हो ये तो 1924 लग के आ रही है, बाय डिफॉल्ट ये 1924 आती है. तो आप क्या करें, अपने फॉर्मूला में यहाँ 2000 करें, इस पे प्लस लगा दें, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली 2024 आ जाएगा, ठीक है. सेम गोज विद द टाइम. टाइम में भी आपको क्या करना पड़ रहा है, टाइम टैब आर कौन सा है, कितने घंटे, इतने घंटे, कामा कितने मिनट, इतना मिनट हुआ है, कामा सेकेंड कितना हुआ है, इतना सेकेंड हुआ है, पैरेंथेसिस ऑफ करो, एंटर करो, तो आपको इसने टाइम भी लिख के दे दिया, ठीक है. इनका यूसेज बहुत कम होता है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए. हाँ इनका यूसेज आप कर सकते हो, ये इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक हैं बट पूछे जाते हैं, मैंने खुद ने भी देखा है. जहाँ बेसिक एक्सेल की बात आएगी ना, कि जिस जॉब में बेसिक एक्सेल की नीड होती है, वहां इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं. मान लीजिए देखो, ये जो मैंने नेम लिखा हुआ है ना, तो ये प्रॉपरली अपर केस है, ना ही ये लोअर केस है, और ना ही ये सेंटेंस केस है. बिकॉज यहाँ पे अगर सेंटेंस केस होता तो स्टार्टिंग का टी भी बड़ा होता, अगर ये लोअर केस होता तो ये एस बड़ा नहीं होना चाहिए था, और अपर केस होता तो सब कुछ ही बड़ा होता, सब पूरा ही कैपिटल में होता. तो इसको ठीक से, अगर मुझे कैपिटल में चाहिए तो मेरे को क्या फॉर्मूला लगाना होगा, अपर, अपर किया, टैब प्रेस किया, टेक्स्ट लिया, किसको करना चाहते हो, इसको करना चाहते हो, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो इसने देखो मुझे पूरा कैपिटल में लिख के दे दिया. सेम अगर स्मॉल में चाहिए तो कुछ नहीं है, लोअर करो, टैब करो, टेक्स्ट करो, एंड पैरेंथेसिस ऑफ करो, एंटर करो. आज जितने भी मैं फॉर्मूलाज करा रही हूँ वो सारे फॉर्मूलाज उससे बेस्ड हैं कि जहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है फॉर्मूला को लगाने के लिए, वो इधर उधर नहीं जाना पड़ रहा, जो आपके सामने लिखा हुआ है बस आपको वही सेलेक्ट करना है. तो इसलिए हमने बिल्कुल सिंपल फॉर्मूलाज लिए हैं. एक सेकेंड, शायद कोई है. हाँ जी मिस अरोड़ा बताइए.
मैम ऐसे कोई फंक्शन है जैसे ये तो अपर और लोअर एक नया कॉलम हो जाएगा और उसमें ये टेक्स्ट लिख के आएगी, अगर हमने बाय मिस्टेक सारे लोअर केस लिख दिया और मुझे उन्हें कन्वर्ट करना है पूरी टेक्स्ट को उसी के ऊपर ही, जैसे हम वर्ड में चेंज कर लेते हैं कमांड होते हैं, इसमें है क्या एक्सेल में ऐसा कुछ? आप ऐसा देखो जैसे हम लोग रैंड बिटवीन वगैरह के लिए करते हैं ना, ये ट्राई किया जा सकता है, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप एक जैसे कॉलम, किसी कॉलम में आपने ये काम कर दिया है उसके साइड में इंसर्ट करके आप एक बार फॉर्मूला लगाओ, उसे कॉपी करो कंट्रोल ऑल्ट वी, मतलब विच इज पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल से वैल्यूज को वहीं पे फिक्स कर दो, तो आपका डेटा वैसे का वैसा रह जाएगा, आपको फिर फॉर्मूलाज को इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको वो रेफरेंस के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार करके बताना, ट्राई करके देख सकते हैं ये वाला काम, पहले हम लोग ये प्रॉपर केस कर लेते हैं एक बार, फिर मैं करती हूँ। प्रॉपर प्रॉपर मतलब सेंटेंस केस आएगा, प्रॉपर किया टेक्स्ट लिया तो यहाँ पे पैरेंथेसिस ऑफ किया एंटर किया तो ये तनु सिंगल सेंटेंस केस में लिख के आया। अच्छा अभी मैं जो आपने बोला वो वाला करके देखते हैं, यहाँ नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार के लिए, तनु सिंगल अकाउंट एक्सपर्ट कुछ भी लिख रही हूँ मैं अभी रेंडमली, बस इतना ही लिख लिया। ओके एंड मुझे क्या करना है अभी, ये लोअर केस में चाहिए मैम, यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं बचेगा हमारे पास कोई फॉर्मूला लगाने के लिए, कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करके कोई फॉर्मूला लगाने लग जाऊंगी तो ये तो इरेज हो जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ, इक्वल्स टू, देखो एक काम कर सकते हैं, क्या करेंगे इक्वल्स टू लोअर, क्या लोअर वो तो है कि रेंज देके कर सकते हैं। अब पूरा बात सुने, ये किया पैरेंथेसिस ऑफ किया एंटर किया तो ये सारे आ गए। अब देखो जैसे ही हम कुछ भी चेंजेस करेंगे, क्योंकि रेफरेंस तो इसमें से है, तो अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूंगी तो इसमें भी चेंजेस हो जाएंगे, है ना। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ वो देखिए, इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल सी किया कंट्रोल ऑल्ट वी किया जो कि कंट्रोल ऑल्ट, हाँ मैं यहां से भी बता दूंगी, यहां से भी होम पे भी बता दूंगी कंट्रोल ऑल्ट वी, यहाँ लिख के भी बता दूंगी, ठीक है। वैल्यूज पे गए कि भाई जो मेरी वैल्यू है वो वैल्यू रह जाए, मुझे फॉर्मूलाज नहीं चाहिए। ओके किया ओके तो ये यहाँ पे देखो, अभी देखो मुझे चेक करने दो, देखो अब आप ऊपर देखो फॉर्मूला बार में देखो आपका फॉर्मूला चला गया, अब आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। ओके अब आप ये वाला सेल हटा दो, हाँ जी बस भाई ये कि अगर फंक्शन हटाते तो ये मुझे उसको भी रखना ही पड़ता। हाँ अगर वो वहां पे फॉर्मूला के तौर पे रहता, अगर वो ये रहता ना कि फॉर्मूला है लोअर फॉर्मूला हमें लगा के रखना है, अगर हम उसको ऐसे रखते तब तो आपको जो रेफरेंस आपने दिया है, कोई रेंज दिया आपने कुछ वो उसके अंदर दिया है ना, अगर वही चीज गायब कर देंगे तो फॉर्मूला गायब, आपका काम गायब, एरर दिखा देगा। तो आपको क्या करना होता है जब भी आप कोई भी चीज काम करे और आप चाहते हो कि अब मैंने काम तो कर लिया है लेकिन ये चीज ऐसी रहे और कभी इधर उधर ना हो, डायनेमिक ना रहे, तो उसके लिए आप कॉपी एंड उसी के ऊपर आप पेस्ट कर लो उसको, तो आपका वो डायनेमिक नहीं रहेगा। हाँ जी मिस्टर देवनाथ बताइए। मैम बेसिकली ये फॉर्मूला यूज होता है फॉर्मूला को हटाने के लिए, है ना, ये कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया, ये एक ट्रिक यूज की है कि अगर मुझे कोई पेस्ट स्पेशल यूज किया आपने। हाँ 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 ये उसको पे मैंने बस उसको यूज कर लिया है कि भाई देखो नॉर्मल सी चीज थी कि मुझे ना दिक्कत कब आ रही है जब वो फॉर्मूला के फॉर्म में रहेगा, फॉर्मूला के फॉर्म में रहेगा तो वो चेंज होता रहेगा क्योंकि वो डायनेमिक रहेगा, क्योंकि साइड वाले को भी हटाऊंगी तो भी चला जाएगा। एक तरीका और है कि मैं जहाँ पे फॉर्मूला लगाया उस कॉलम को हाइड कर लूं, लेकिन वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है, वो भी कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे तो हर चीज में हम ये करते रहेंगे, ऐसे बहुत बार होगा आपने कुछ कोई चीज कहीं पे लिस्ट बना रखी है, पीछे कहीं लिस्ट बना रखी है, फॉर एग्जांपल अगर ये नाम आए तो ए लिख देना, ये नाम आए तो बी लिख देना, ये नाम आए तो सी लिख देना, कुछ ऐसा करके आपने लिस्ट बना रखी है और अब आपका बड़ा सा डेटा है, उस डेटा में आप वी लुकअप लगा के ए बी सी डी आपने हर किसी के आगे ले आए, अब आपको ये डर है कि भाई जरा सा कुछ भी चेंज किया तो यहाँ से तो डेटा हिल जाएगा ये। हाँ तो तब कंट्रोल ऑल्ट वी काम आता है, बेस स्पेशल काम आता है, कंट्रोल ऑल्ट वी मतलब फिक्स्ड हो जाता है फिक्स्ड हो जाता है, उसमें से वो वैल्यू रह गया ना, हमने कॉपी करके उसी के ऊपर पेस्ट कर दिया, वो वैल्यू रह गया, अब आप करते रहो, आपका डेटा तो कॉन्क्रीट हो गया, अब वो हिलेगा तो नहीं। ये चीज हमें तभी करनी होती है जब हमें डायनेमिक नहीं बनाना, हमें बस आंसर करना है और इतना करके बस किसी को भेज देना,
मुझे बस उसको ये चीज दिखाना, हाँ ये चीज आ गई है, या हम लोगों को खुद के लिए चाहिए, तो हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग सिर्फ यहीं तक फॉर्मूलाज करेंगे। मैम हेलो, हाँ जी बताइए मैम, एक्सेल में टॉगल केस भी होता है क्या? सॉरी समझ नहीं आया क्या बोला आप? मैम टॉगल केस बोले हैं, टॉगल केस कौन सा केस बोले हैं आप? समझ नहीं आ रहा। मैम एक्सेल में टॉगल केस भी होता है क्या? प्लीज किसी और को समझ आ रहे तो प्लीज मुझे बताएंगे, पता नहीं वो टॉगल केस इज आस्किंग, टॉगल केस मैम, टॉगल केस टी ओ जी जी एल ई टॉगल केस। यस मैम, वो अभी मुझे टू बी ऑनेस्ट मालूम नहीं है, बट मैं इसको कंफर्म करके आपको जरूर बता दूंगी। ओके मैम, होता होगा तो बताइएगा प्लीज, ये कल की क्लास में मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। ओके ओके, मैंने इनिशियली दो तीन क्लास मिस कर दिया था, तो अभी वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या साइट में? रिकॉर्डिंग में हमने एनरोल कर लिया था, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एंड वहां पे उस कोर्स में जाएंगे, कंटेंट के अंदर आपको जितनी भी पीछे की जितनी भी वीडियोस जितनी भी क्लासेस हुई है वो सबका रिकॉर्ड मिल जाएगा। अकाउंट एक्सपोर्ट का डाउनलोड करना पड़ेगा ना? अकाउंट एक्सपोर्ट। आपने ज्वाइन कहां से किया है? ज्वाइन कहां से किया मतलब? मतलब ये वाला जो कोर्स है ना वो एक किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, वहां के थ्रू भी आउटसोर्स किया हुआ है, मतलब उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है, तो इस वजह से मैंने तो अकाउंट्स एक्सपर्ट से ही ज्वाइन किया मैडम, वहीं से ज्वाइन किया। डन डन डन, आप अकाउंट्स एक्सपर्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आपको आराम से सारी जो है रिकॉर्डिंग्स हैं, सारी शीट्स हैं, वो आराम से मिल जाएगी। जैसे जैसे आप क्लास खत्म करेंगे वो सब मतलब अपडेट होते जाएंगे क्या? नेक्स्ट डे अपडेट हो जाता है। ओके थैंक यू। हां जी, ये आज वाला क्लास भी आपको कल शाम मतलब कल दिन तक देखने को मिल जाएगा। ओके बट थैंक यू। हां जी बताइए। थैंक यू मैम, क्लास बहुत अच्छा लगा। यू वेलकम सर, और कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। मैं फर्स्ट बार क्लास देख रहा हूं, वो भी ट्रेन में देख रहा हूं मैं। जो है वो आप बता देंगे तो हमारे लिए और भी आसानी रहेगा, क्योंकि नए लग रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा है। क्या मैडम, मैं क्या बोल रहा था कि आप जो सिखा रहे हैं दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच हम यूज करते भी नहीं, अभी तक मैंने यूज नहीं किया, लाइक डे 360 तो मुझे यूज होगा करके, तो मैं क्या व्हाट आई वाज रिक्वेस्टिंग इज कि अगर आप कुछ एप्लीकेशन बेस्ड जो हम रेगुलर वर्क में यूज करते हैं उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करके बताएंगे तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी मतलब हमारे आसान पड़ जाएगा, ज्यादा रिलेटेबल हो जाएगा, राइट? हां यस 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 यस। हां जी, वो वाली चीज हम धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो हम डेटा उसी तरीके का पिक करेंगे जिस तरीके से आपको वो रिलेटेबिलिटी फील हो। मैं मेरा पढ़ाने का तरीका ही सर हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं रिलेट करके पढ़ाऊँ, बिकॉज वो जो चीज़ होती है ना आप बस इसको सीख लो, आप इसको कर लो। फॉर्मूला भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं कि लुकअप वैल्यू ये होती है, रेंज ये होता है, क्राइटेरिया ये होता है, आप चूज कर लो और हो गया। अब वो पर्टिकुलर डेटा पे तो करना आ जाता है स्टूडेंट को, लेकिन जब वो खुद के डेटा पे करने बैठते हैं उसको समझ नहीं आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होएगा। हम लोग सारी चीजें सीख के मतलब अपने रिलेटिबिलिटी कनेक्ट करके ही वो करेंगे। हां मतलब आपका जो मतलब है इट्स वेरी गुड कि आप लॉजिक भी समझाते हैं, क्योंकि लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर बाद में यूज नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। एंड एक चीज मैं और भी बोलूंगी, अगर किसी के पास भी कोई डेटा होता है और वो कहता है कि मैम मुझे इस तरीके से डेटा है मेरे पास, आप कनेक्ट कर सकते हो, हम उस पे डिस्कस कर सकते हैं और उस डेटा पे काम कर सकते हैं, उससे हमारी क्लास भी बड़ी इंटरेक्टिव हो जाएगी। बताइए, आप बताइए मिस्टर कुमार, आप क्या कह रहे थे, एंड मिस अरोड़ा आप भी बता सकती हैं। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था, बस यही था कि आप जो पिछले क्लास थी वो अटेंड करवा दीजिए बस। हां जी, वो मैं बोलती हूं, सबको बोलती हूं। हां जी मिस अरोड़ा बताइए। नहीं मैम, कुछ क्वेरीज है वो अब धीरे धीरे देखती हूँ, अगर बीच में आई नहीं तो फिर मैं पूछ लूंगी इस पे। हाँ, आप ये अगर फॉर्मूलेस की है, हाँ अगर हो सकता है कुछ टॉपिक्स अब आगे वाली क्वेरी हो तो वो टॉपिक करेंगे तभी वो रिजॉल्व हो। हाँ, इसलिए अभी पूछने में ठीक नहीं है ना, आप हो सकता है बता ही दो आगे। हाँ हाँ, ये भी ठीक है, तो और कोई डाउट है तो पूछिए, वरना फिर इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मैडम मेरा एक और डाउट है कि आप अगर आपका जो छोटा छोटा वीडियो आता है वो जो स्निपेट्स आप भेजते हैं तो वो सब भी कवर हो जाएगा कि वो अलग है?
छोटा छोटा वीडियो कौन से वाला सर जो YouTube तो आपका जो YouTube में वीडियोस है तो वेदर YouTube में आप जो जो सिखाते रहते हैं ना एक एक जब जब भी आप तो वो पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे कि वो अलग से सीखना पड़ेगा हमें नहीं 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 सर देखो मैं आपको बताती हूँ जो हम शॉर्ट्स बनाते हैं वो शॉर्ट्स एक पर्टिकुलर नॉलेज दे देते हैं अभी जैसे कल मेरा अपना जो काम हुआ था वो सीरीज वाला हुआ था कल हमारी जो क्लास हुई थी वो सीरीज वाली थी जिसमें हमने सीरीज सीखा तो आज ही मैंने जो शॉर्ट बनाया वो सीरीज पे बनाया सीरीज में लीनियर को समझाया लेकिन जब हम क्लास में करते हैं तो आपको पूरा एक साथ ही समझ लेते हैं उसमें आपको ऐसे लग रहा होगा कि अरे मैंने नई चीज ये सीखी क्योंकि वो एक एक करके अचानक से रेंडमली आ जाता है अभी आपको मान लो 100 topics आपने एक साथ सीखा है ठीक है तो आप देयर माइट बी चांसेस आप भूल जाओगे उसमें से अब किसी दिन वो आपके सामने आ रहा है और आपको कह रहे हो अरे यार ये वाला सीखना था ये वाला रह गया सीखा आपने सारा ये बस वो रेंडमली वो क्लिक होता है सीखेंगे हम यहाँ पे सब कुछ ओके मैम बिकॉज़ वो रैंडमली जो आप और शॉर्ट्स डालते हैं ना वो बहुत यूजफुल लग रहा था इसलिए मैं पूछ रहा था वो क्वेश्चन हां हां वो सारी चीजें सीखेंगे सर वो सारी चीजें सीखेंगे मैडम एक और क्वेश्चन था कि अगर आप पावर बी भी इंट्रोड्यूस करेंगे गाइस में पावर बी हां जी सर हमारा वो पाइपलाइन नहीं है और जो नेक्स्ट कोर्स हम जो लॉन्च करेंगे एक्सेल के साथ-साथ ही चलेगा वो पावर बी आई होने वाला है तो इसीलिए वो पाइपलाइन में है कि भाई जैसे ये वाला चीज कंप्लीट होएगा हम लोग पावर बीआई के लिए पूरा पूरा करेंगे ताकि हम लोग अच्छे अच्छे डैशबोर्ड्स बिकॉज यहाँ से भी बहुत से लोग बेसिक सीखेंगे कि शीट ट्रैकर्स दूसरी चीज उसको थोड़ा बहुत चार्ट का नॉलेज डेटा का नॉलेज ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि उसने एक्सेल में डैशबोर्ड बना लिए उसके जैसे ही आप एक्सेल में अच्छे से करने लग गए ना पावर बीआई बहुत ईजी हो जाएगा फिर तो ये है कि बस बड़ा बड़ा डेटा लो अलग अलग डेटा लो और उस पर प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि मैम आज का अभी का जो एरा है वो ऑटोमेशन का एरा है क्योंकि आपको डेटा इनपुट नहीं करना पड़ता किसी भी सॉफ्टवेयर से आप डंप कर सकते हो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है जैसे एसएपी में हो गया एसएपी में आपको डेटा डंप करने को मिल जाएगा उसके बाद आपको एक्सेल में काम करना है ये ऐसा होता है तो इसीलिए पावर बीआई बहुत जरूरी हो जाता है मैम इसीलिए मैं डेफिनेटली आई एग्री विद यू नो डाउट मैडम हमारा एक ही रिक्वेस्ट है जैसे कि देवराज जी ने बताया कि इसी टीम को इसी बैच को पावर बी में कंटिन्यू करा दीजिए अगर अगर एक्स्ट्रा फीस है तो हम उसको दे देंगे खत्म कर देंगे बिकॉज एक ही शॉट में सब कुछ खत्म हो जाएगा सर इससे ना बाकी सभी स्टूडेंट्स को फिर वो दिक्कत आएगी बिकॉज देयर आर द एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल ही बेसिक से सीख रहे हैं सोच के देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक्सेल पहली बार खोला हुआ उन्हें बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं और यहाँ हम अगर पावर बीआई की बात करेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा एंड पावर बीआई अपने आप में इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है कि उसको किसी के साथ मर्ज करने की जरूरत नहीं है वो ऑटोमेटिकली अलग से इंडिविजुअली सीखा जा सकता है तो इसीलिए मेरा यही मानना है कि हम उसे इंडिविजुअली ही सीखेंगे ताकि फिर वहाँ पूरा अच्छे से डीप डाइव कर सकें यहाँ पे पता लग रहा है एक्सेल भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है थोड़ी चीजें चंक्स एक्सेल की आ रही है कुछ चंक्स पावर बीआई के आ रहे हैं तो ये इनजस्टिस आपके साथ भी हो जाएगा कि अरे ये तो मिक्स हो गया तो एग्जैक्ट जो चीज सीखनी थी वो तो चीज रह गई जब हम एक चीज को लेके चलते हैं तो हम पूरा फोकस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे बाकी आपकी सजेशन के लिए थैंक यू हम लोग इसको जरूर कंसीडर करेंगे जो भी डिसीजन होगा आपको जरूर बताएंगे थैंक यू मैम थैंक यू सो मच जी सर थैंक यू मैम जी सर चलिए आज का सेशन यही समाप्त करें थैंक यू मैम ओके बाय 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 एवरीवन थैंक यू योर क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग हां थैंक यू सो मच हेलो